अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आप जेस कैश ऐप पर अकाउंट ओपन करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस आइकन वाले ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। मैं पहले से ये डाउनलोड कर चुका हूँ। इस पर क्लिक करके आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगी। आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है और नेक्स्ट बटन दबाना है। जेस कैश की तरफ से फौरन आपके मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए OTP सेंड हो जाएगी। जो ही आप अलाउ पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएंगी। इसके बाद आपके सामने स्कैन CNIC या एंटर डिटेल मैनुअली के दो ऑप्शन आ जाएंगे। आप या तो CNIC को स्कैन करेंगे या मैनुअली में अपना डेटा पुट करेंगे। मैं मैनुअली करता हूँ। यहाँ आपने अपना पूरा नाम, ईमेल एड्रेस, CNIC नंबर और CNIC इशू डेट यानी कौमी शनाख्ती कार्ड का इजरा जिस वक्त पर ये जारी हुआ लिख कर एग्री पर प्रेस करके नेक्स्ट बटन दबाना है। फिर आपके सामने ट्रांजैक्शन लिमिट की स्क्रीन आ जाएगी। मतलब अगर आप लेवल 0 के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन लिमिट 50,000 रुपये पर मंथ होगी। लेकिन अगर आप अपग्रेड बायोमेट्रिक के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपकी लिमिट 2,00,000 तक बढ़ जाती है। लेवल 1 का ये फायदा है कि इसकी मदद से आप कैश डिपॉजिट और विदड्रॉ कर सकते हैं, जबकि लेवल 2 में ये सहूलत मयसर नहीं। चूँकि मैं अभी आपको बेसिक सिखा रहा हूँ तो मैं लेवल 0 को सेलेक्ट करके फिर इसे लेवल 1 तक ले जाऊंगा। फिर इसके बाद अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी वालदा का नाम पूछा जाएगा। आपने अपनी वालदा का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी जाए पैदाइश सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन दबाना है। इसके दबाने के बाद आपको शुक्रिया का मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। आपने यहाँ अपनी मर्जी का 4 हिंसों वाला पिन कोड डालना है। इसके बाद अलाउ बटन दबाना है। जेस कैश इंटरफेस शो हो जाएगी। आपने बगैर सोचे समझे नेक्स्ट बटन दबाते ही रहना है। इसके बाद दोबारा लॉगिन करना है ताकि पता चले कि वाकई आपका अकाउंट ओपन हो चुका है या नहीं। मुबारक हो, आपको 50 रुपये बोनस भी मिल चुका है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।